हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल कुकिंग विद सुजाता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए आइए हम देखते हैं किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है। 700 ग्राम हमने चिकन लिया है तेल, 1 कप, 2 लहसुन की आड़ियाँ ली हैं जिन्हें छील लिया है, 2 से 3 तेज पत्ती ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, धनिया की पत्ती, 10 से 12 मैंने ली है हरी मिर्च, राजेश मसाला का 1 पैकेट, इधर ये खड़े मसाले हैं जिसमें हमने ली है छोटी इलायची 4, जीरा 2 चुटकी, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च 7 से 8 दाना, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, 4 लौंग, 1/2 जीरा और पोस्ता दाना, जावित्री 1 कली, जायफल का टुकड़ा छोटा सा, 4 खड़ी लाल मिर्च, सबसे आखिरी में हमने ली है ये कबाब चीनी, 10 से 12 हमने प्याज ली हैं जिन्हें अभी हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। अब प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया है, लहसुन हमने कूट लिए हैं और अदरक को भी ऐसे कूट लिया है, हरी मिर्च, साबुत मसाले हमने छोटी इलायची को इस तरीके से कूट लिया है, बड़ी इलायची को और हरी मिर्च, लाल मिर्च को, बाकी मसाले हम सब इसी तरीके से डालेंगे। तो आइए अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। गैस को हम ऑन कर लेते हैं और कुकर रख लेते हैं, इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने 1 कप लिया है, तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता। जीरा और हमारा ये हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने पतली पतली स्लाइस में काट लिया है, डाल देंगे प्याज। अब इसकी मदद से हम इसे इसमें चला लेंगे। ये हमारा मिल चुका है और इसे प्याज को हम ब्राउन होने तक पकने देंगे। प्याज हम हमारी पानी छोड़ रही है, प्याज को अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन से ढक करके पकाएंगे धीमी आंच पर, लेकिन हम कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, बस ऊपर से ही इसी तरीके से ढक देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं हमारे, अब आइए हम देख लेते हैं हमारे प्याज। देखिए प्याज
हल्के ब्राउन हो चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इसी समय अब चिकन डालना होगा। बहुत ज़्यादा ब्राउन होने पे आप मत डालिएगा। प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आप चिकन डाल दीजिएगा। एक एक करके चिकन हम इसी तरीके से बराबर फैला लेते हैं, डाल लेते हैं इसमें। ये हमने चिकन डाल दिया है प्याज के ऊपर बराबर। अब हम इसमें अदरक हम डाल देंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम लहसुन डाल देंगे। कूटी हुई लहसुन है इसमें हम डाल देंगे। हरी मिर्च हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। आइए अब हम देख लेते हैं, ये हमारा मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। अभी इसमें हमने खड़े मसाले नहीं डाले हैं, आप देखिए। अब इसमें हम इलायची, साजीरा और पोस्ता दाना है, लाल मिर्च खड़ी जो हमने थोड़ी सी कूट ली थी वो डाल दिया है, दो बड़ी इलायची है वो डाल दिया है हमने, ज़रा सा कूट लिया था। ये हम जायफल ऐसे ही डाल देते हैं इसमें, और काली मिर्च भी ऐसे ही डाल देते हैं। ये है दालचीनी, दालचीनी हम ऐसे ही डालेंगे खड़ी। ये हमारा जावित्री डाल दिए, ये लौंग और कबाब चीनी। अब इसमें हम ऐसे ही इसको बिना चलाए ही अब हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसे हम बंद कर देंगे। आइए अब हम इसे खोल करके देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे। ये देखिए हमारे चिकन का कलर एकदम बदल चुका है और एकदम अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं इसमें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये एक पैकेट हमने छोटा राजेश मसाला लिया था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे। इसे हम धीमी ही आंच पे पकाएंगे लेकिन ढक करके। अब इसे हम फिर से ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। आइए देखते हैं, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखिए हमारा ये ग्रेवी लगभग मिल चुका है। अब हम इसे लगभग पक चुका है, ये देखिए। अब हम इसे मिक्स करके पका लेते ताकि इसमें पूरे मसाले और चिकन सब मिक्स हो जाए अच्छे से और इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बन करके तैयार हो जाए। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं। ये हमने बढ़िया सा चला लिया है इसको। अब इसे हम फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। आइए अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं हमारा चिकन। हमारा चिकन अब पक चुका है। ग्रेवी हमारे लिए पर्याप्त है इसलिए अब हम इसमें अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे।
आप चाहें तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी गर्म करके इसमें डाल करके 10 मिनट पका करके आप इसे उतार सकते हैं। और ये हमारा चिकन एकदम तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चिकन को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। चिकन ग्रेवी हमारी बन करके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।